मेरा नाम बबली है। अब क्या कहेंगे, कल इलेक्शन है हरियाणा में और वो वोट के लिए गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, तो कैसा देखते हैं? जी गर्मी तो है पर वोट भी डालना बहुत जरूरी है, हमें अपने राजा को और आगे बढ़ाना है और हम उसको वोट दे के और उनका सहयोग करना चाहते हैं और करेंगे। मेरा नाम उषा रानी है। अब क्या कहेंगे, गर्मी का सितम भी बढ़ रहा है और कल इलेक्शन है, तो किस तरह से देख रहे हैं? सर गर्मी तो है पर भी फिर भी एक अच्छा नेता चुनने के खातिर हम अपने घर से बाहर जाएंगे और हम अपना वोट डालेंगे, ऐसा तो नहीं कि गर्मी है तो हम वोट डालने ना जाए। तो क्या लगता है गुड़गांव लोकसभा सीट पर किसके समीकरण ज्यादा देख रहे हैं, किसकी जीत देख रहे हैं? सर जैसे मेरे नजरिए में और जैसे मैंने देखा है सुना है तो उस नजरिए से तो राव इंद्रजीत सिंह जी है। मेरा नाम संजय है। क्या कहेंगे, कल चुनाव है और गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, तो कैसा देखते हैं? देखो सर गर्मी तो है तो वोट भी तो डालना जरूरी है। तो किसको देख रहे हैं इस बार टक्कर में गुड़गांव लोकसभा सीट से? सर मैं तो भाजपा को वोट करूंगा। माता जी अपना नाम बताइए। शांति देवी। क्या कहेंगे, गर्मी लगातार बढ़ रही है और चुनाव है कल हरियाणा में, तो कैसे जाएंगे? गर्मी तो है और वोट तो हम देने जाएंगे, चुनाव है तो काम करते हैं तो फिर वोट तो देने जाएंगे, काम करते हैं जब भी गर्मी है और वोट देना भी हमारा जरूरी काम है। तो इस बार किसको देख रहे हैं टक्कर में गुड़गांव से? हम तो मोदी जी को देख रहे हैं जी। परिचय दे जी। मेरा नाम लक्ष्य है। क्या कहेंगे, गर्मी लगातार बढ़ रही है और कल हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो जी देखते हैं। गर्मी तो देखो हर साल ही बढ़ती है, इलेक्शन आते हैं 5 साल में एक बारी, और जी मेरा तो पहला वोट है और ये मेरा बहुत कीमती वोट है और ये तो मैं जरूर डालूंगा और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो भी अपना जाके वोट डाले। तो गुड़गांव में किसको देख रहे हैं टक्कर में? जी गुड़गांव में तो राव इंद्रजीत सिंह ही है, उसकी टक्कर में कोई नहीं है, हमारा वोट तो जी राव इंद्रजीत सिंह को ही है।